सो व्हाट्सअप गाइस, आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है बहुत सारी इंटरेस्टिंग हिप हॉप अपडेट्स, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। और यार जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना, उसके साथ ही बेल आइकन को भी इनेबल कर देना ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। और यार वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात कहना चाहूंगा, अगर आपको कुछ भी परचेस करना है अमेजोन से तो हमारा ऑफिशियल अमेजोन एफिलिएट लिंक यूज कर सकते हो, उसकी लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उससे क्या होगा चैनल की थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं अपडेट्स की तरफ। तो पहली अपडेट आ रही है किडशॉट की तरफ से। सो अभी रिसेंटली जो है किडशॉट का एक ट्रैक आउट हुआ है, ट्रैक का नाम है हाथ से, और ये ट्रैक आउट हुआ है मास अपील इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और अगर बात करूं ट्रैक के बारे में तो ट्रैक मुझे काफी सही लगा। इसके अंदर जो है काफी चीजों के बारे में बोला गया है जो कि काफी काम की चीजें बोली गई हैं, और इसका म्यूजिक भी जो है मुझे काफी सही लगा। बाकी यार आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको ये ट्रैक कैसा लगा, और जिसने अभी तक ये ट्रैक नहीं सुना है उनके लिए लिंक जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो एक बार जाके जरूर चेकआउट करना। तो अब हम बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। तो अगली अपडेट आ रही है सिकंदर कालो और एडी बी की तरफ से। सो भी रिसेंटली जो है इन दोनों का भी एक कोलैब ट्रैक आउट हुआ है, ट्रैक का नाम है बेपरवा, और ये ट्रैक आउट हुआ सिकंदर कालो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। ट्रैक जो है काफी सही है, खासकर एडीबी का वर्स। बाकी यार आप लोग बताओ कि आप लोगों को ये ट्रैक कैसा लगा, और जिसने अभी तक ये ट्रैक नहीं सुना है उनके लिए लिंक जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो एक बार जाके जरूर चेकआउट करना। तो अब हम बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। तो अगली अपडेट आ रही है डिवाइन की तरफ से। सो भी रिसेंटली जो है डिवाइन ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट डाला, और उसका कैप्शन कुछ ऐसा था, 10 गाने इस बार किसको फीचर करूं एल्बम में टैग करो। सो बेसिकली डिवाइन का जो है बहुत ही जल्द एक एल्बम आउट होने वाला है, और उसके अंदर आपको जो है 10 गाने सुनने को मिलेंगे। सो लेट्स वेट एंड वॉच कब तक हमें ये एल्बम सुनने को मिलता है। तो अब हम बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। तो अगली अपडेट आ रही है स्पाइडी जे की तरफ से। सो स्पाइडी जे का बहुत ही जल्द एक ट्रैक आउट होने वाला है, ट्रैक का नाम है इमोर्टल, और इस ट्रैक का फर्स्ट लुक पोस्टर भी जो है स्पाइडी जे ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर रिवील कर दिया है। सो लेट्स वेट एंड वॉच कब तक हमें ये ट्रैक सुनने को मिलता है। तो अब हम बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। तो अगली अपडेट आ रही है डिनो जेम्स की तरफ से। सो रिसेंटली जो है डिनो जेम्स का एक ट्रैक आउट हुआ था, ट्रैक का नाम था मिराज, और ये ट्रैक जो है शुरुआत में यूट्यूब इंडिया पर नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था, पर अभी करंटली ये ट्रैक जो है यूट्यूब इंडिया पर नंबर 11th पे ट्रेंड कर रहा है, और इस ट्रैक को जो है काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इस ट्रैक ने जो है 3 दिन के अंदर 4 मिलियन व्यूज भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हम बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। तो अगली अपडेट आ रही है बादशाह की तरफ से। सो रिसेंटली जो है बादशाह और फाजिलपुरिया का ट्रैक आउट हुआ है, ट्रैक का नाम है हरियाणा रोडवेज, और ये ट्रैक आउट हुआ है सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो अगर बात करूं ट्रैक के बारे में तो ट्रैक की वीडियो मुझे काफी सही लगी, और बात करूं अगर गाने के बारे में तो गाना मुझे ठीक ठाक लगा। बाकी यार आप लोग बताओ कि आप लोगों को ये ट्रैक कैसा लगा, और जिसने अभी तक ये ट्रैक नहीं सुना है उनके लिए लिंक जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो एक बार जाके जरूर चेकआउट करना। तो अब हम बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। तो अगली अपडेट आ रही है किंग की तरफ से। सो आज जो है किंग के दी कार्निवल एल्बम का 5th ट्रैक माफिया आउट हो चुका है। सो बेसिकली ये ट्रैक जो है 30 जुलाई को आउट होना था, यानी कल आउट होना था ये ट्रैक, पर कुछ एडिटिंग इश्यूज की वजह से ये ट्रैक जो है आज आउट हुआ है। तो अगर बात करूं ट्रैक के बारे में तो ट्रैक जो है यार बिल्कुल अलग लेवल का ट्रैक है, और यार इस ट्रैक से जो है एकदम अलग ही वाइब आ रही है। खासकर इस ट्रैक का हुक जो है मुझे काफी सही लगा है। बाकी यार आप लोग बताओ कि आप लोगों को ये ट्रैक कैसा लगा, और जिसने अभी तक ये ट्रैक नहीं सुना है उनके लिए लिंक जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो एक बार जाके जरूर चेकआउट करना। सो यार माफिया ट्रैक के रिलीज होने के बाद जो है किंग ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये लिखा, माफिया गॉट सम फैक्ट सम इन्फॉर्मेशन सम सिक बार्स एंड सम रेंज। माफिया इज ए हाइब्रिड हिप हॉप सॉन्ग विद नो डिस टू एनी पर्टिकुलर आर्टिस्ट और रैपर। माफिया इज ए फैमिली ऑफ बदनाम राजा तलिस्मान एक्सेट्रा। द एक्सप्लिक्ट लाइंस बिलोंग्स टू माई पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस, नथिंग प्रोफेशनल और फॉर एनी रैपर। सो काइंडली कनेक्ट विद इट एज अ पर्सन एंड द वे यू वाइब विद योर होमीज, डोंट कनेक्ट इट टू एनी आर्टिस्ट और रैपर। वी ऑल हैव अ पर्सनल लाइफ एंड एक्सपीरियंस टू लोल, थैंक यू मच लव। सो बेसिकली किंग यही कहना चाहता है कि उनके माफिया गाने में जो है किसी के लिए डिस नहीं है, और उन्होंने ये भी लिखा हुआ कि इस गाने को जो है आप किसी आर्टिस्ट और रैपर के साथ कनेक्ट ना करें। बाकी यार कुछ भी कहो, इस गाने में जो है किंग ने काफी हार्ड काम किया हुआ है। तो अब हम बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। तो अगली अपडेट आ रही है एमिवे बंटाय की तरफ से। सो फाइनली जो है एमिवे बंटाय को यूट्यूब की तरफ से डायमंड प्ले बटन मिल चुका है। सो बेसिकली कल जो है एमिवे बंटाय अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर लाइव आए थे, और उस लाइव में जो है एमिवे ने सबको अपना डायमंड प्ले बटन भी दिखाया, और जितनी बंटाय की पब्लिक थी सबको थैंक्स भी बोला उनको सपोर्ट करने के लिए। और यार कमाल की बात तो ये है कि एमिवे बंटाय का ये लाइव सेशन भी जो है यूट्यूब इंडिया पर नंबर 14th पे ट्रेंड कर रहा है। और यार ये काफी कमाल की बात है कि एक लाइव सेशन को यूट्यूब इंडिया पर ट्रेंड करना, मतलब यार एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक काफी बड़ा अचीवमेंट है। सो मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस टू एमिवे बंटाय। और यार इस लाइव सेशन में जो है एमिवे ने काफी चीजों के बारे में बात किया, उनके अपकमिंग सॉन्ग के बारे में भी। तो अगर आपको पूरा लाइव सेशन देखना है तो इसकी लिंक जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो यार अभी के लिए बस इतनी अपडेट्स है, ऐसी और भी इंटरेस्टिंग हिप हॉप अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूले। सो स्टे होम स्टे सेफ, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।